आईटी के साथ साथ एक और खेमा है जहां पर बहुत अच्छी तेजी बन रही है, वो है प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स। प्लेटफॉर्म यानी कि BSE हो गया, CDSL, MCX, IEX, ये सारे के सारे शेयर अगर आप देखेंगे तो सभी चल रहे हैं और अच्छे मूव्स आ रहे हैं। MCX में बड़ी तेजी है। आज सुबह हमारे एक्सपर्ट थे अंशुल जैन, उन्होंने ये सजेस्ट किया था MCX का शेयर खरीदने को, उनके टारगेट भी अचीव हो गए। BSE आप देखिए 4% ऊपर ये कारोबार कर रहा है, MCX बाकायदा 6% ऊपर डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और IEX अब 200 रुपये वाले स्तर के आसपास जाकर बार बार वहां पर ठिठक रहा है। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, ये जो सारे के सारे स्टॉक्स के नाम लिए हमने, कहीं आपको लगता है कि अभी भी ट्रेड के मौके बचे हैं, या फिर कहीं पर आपको लग रहा है कि स्ट्रांग ब्रेकआउट आ रहा है? अभिषेक जी, इन जो कंपनियों के अपन आपने जिक्र किया उसमें CDSL, MCX, ये दोनों स्टॉक तो क्लियर अप ट्रेंड में, और दोनों स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम CDSL का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 5-6 वीकों के वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे हमें लगता है ये मोमेंटम अब पोजिशनली तो 2900-3000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो CDSL पे जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रह सकते हैं, माइनर डिप मिलता है अगर तो ऐड करें, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2660 के आसपास। MCX में भी फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये ब्रेकआउट हमें लगता है जो बने हैं इसके टारगेट जो आना चाहिए करीब 4800 से लेके 4900 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो MCX में भी हमारा व्यू बुलिश ही है, ये ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी आज मॉर्निंग में ऑलरेडी शेयर किया है, और हमें लगता है कि यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है अभी भी, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4560 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो जिक्र किया आपने IEX, यहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉक में अप ट्रेंड तो यहाँ पे बना हुआ है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बने हुए, स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक माइनर डिप जो लिया था स्टॉक में वो भी 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास अरेस्ट होते हुए दिखा, और वहां से पुल बैक वापस बना है, तो ट्रेंड इसके अभी भी इंटेक्ट है। यहाँ पे इमीडिएट हर्डल जो बनी है वो 196-198 की रेंज में है, जो कि हार्डली यहाँ से 1-1.5-2% के आसपास है, तो हमें लगता है जैसे 198 का लेवल क्रॉस होगा स्टॉक में तो यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य फिर 215 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो IEX में भी पोजीशन बने रहे, जब तक ये स्टॉक 188 के ऊपर बना हुआ है हमें लगता है ट्रेड अभी भी लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों शेयरों पर आपके लिए राय, IEX और CDSL और MCX, ये तीन शेयर आपके लिए। MCX में तो क्या तूफानी रफ्तार हमने देखी है, जून के आसपास ये शेयर 3200 रुपये का था और अब ये 4400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब कि जबरदस्त रफ्तार में है MCX का शेयर। करते हैं एक टाटा केमिकल्स का शेयर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के रखा हुआ था, मैं पता कर लेता हूँ। राजेश सर, ये शेयर चलता नहीं है, है ना, इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आज जिस तरह से क्लोज कर रहा है ना, देख के ऐसा लग रहा है कि ये सेकेंड डे भी चलेगा, यानी कि मंडे भी चल सकता है, कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट, और ये थोड़ा ग्लोबल सेटअप के हिसाब से भी फिट बैठने वाला कैंडिडेट है। एक बार जरा टाटा केमिकल्स का BTST या कुछ बताओगे इसमें करके जाना है? तो डिम्पी जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे 1055 का लेवल क्रॉस होना इम्पोर्टेंट है, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा थोड़ा सा अभी डाइसी है स्टॉक, क्योंकि हमने देखा केमिकल सेक्टर में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली थी, जहाँ पे हमने देखा था कि आरती इंडस्ट्री में जो कट था उसके चलते सभी केमिकल स्टॉक्स में एक गिरावट बनी थी। टाटा केमिकल में जरूर रिकवरी बन रही है, 1055 का लेवल हम जरूर मॉनिटर करेंगे, अगर वो क्रॉस करता है तो इसमें डेटा फिर शॉर्ट कवरिंग का बनेगा, देन फिर एक पुल बैक 1080 तक भी आते हुए दिख सकता है, बट जब तक 1055 क्रॉस नहीं होता है थोड़ा हमें लगता है कि वेट करना चाहिए अभी।